ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो आज हम बात करेंगे कि बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चे को कितना अधिकार होता है या फिर उनके बच्चों को कितना अधिकार होता है। तो इसी पे सवाल जवाब बहुत सारे आते हैं, तो आज हम इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जो वीडियो का जो कंक्लूजन है वो अच्छे से समझ में आए। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूं। तो एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि दादा परदादा उसे मिली हो। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो बाप ने अपने फादर ने अपनी अपने ही पैसे से कमाई है, हर चीज़ उसकी मतलब खुद ने उसने कमाया है और उसने कहीं किसी से नहीं लिया, चाचा से ना लिया, कुछ नहीं। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ज़मीन की ही बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि उसने लोन लेके और ज़मीन बना ली, ठीक है, तो वो नहीं है कि ठीक है अब ज़मीन ही होनी चाहिए वो, कि भी ज़मीन वमीन सब कुछ उसी का है, ओके। तो वो होगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दूसरी आती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो दादा परदादा उसे मिली होती है, जैसे मिलती है ना लोगों को ऐसे वाली, ठीक है। एक होती है इंटेस्टेट, एक होती है टेस्टेट। अब ये जो क्या है ये समझ लो, हालांकि हमारे पास एडिटर नहीं है, नहीं मैं आपको साइड में लिखवा देता, अच्छे से समझ में आ जाता, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है टेस्टेट, TESTATE, टेस्टेट, यानी कि अगर कोई पर्सन विल बना देता है, सपोज एक फैमिली है उसमें जो घर का मेन मेंबर है यानी कि फादर है, वो विल बना देता है कि मेरे मरने के बाद मेरे चार बेटों को ये प्रॉपर्टी जाएगी इतनी इतनी इतनी, ठीक है, ये हो गया टेस्टेट। इसका सिंपल है क्लियर टेस्टेट, यानी कि विल बना के जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत आती है इंटेस्टेट पे, यानी कि इंटेस्टेट यानी कि विल उसने बनाई नहीं और उसकी डेथ हो गई, तो जो प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे जाएगी, फिर डिस्प्यूट होते हैं लोगों में, ओके। उस डिस्प्यूट के चक्कर में मतलब मारपिटाई होती है, मर्डर वर्डर सब कुछ होता है। तो टेस्टेट का आगे समझ में आपको, अब आप सोचोगे कि भाई जो टेस्टेट है उसमें तो वो कुछ भी लिख सकता है, तो देखो मैं आपको जनरल रूल बता दूं क्या है। अगर उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मान ले कोई बाप है उसके बेटे हैं चार पांच, ठीक है, निकम्मे हैं, और उसने मतलब विल बना दी कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है मेरे एक एक ही बेटी को जाएगी, अब किसी को भी जाएगी, वो उसने लिख दिया तो उसी को ही जाएगी उसके मरने के बाद, ठीक है, वो उसे छीन नहीं सकते क्योंकि उसने टेस्टेट, उसने विल तैयार किया, उसने सब कुछ बनवाया है, वसीयत जिसे कहते हैं हम, तो उसने बनवा दिया। अब आप सोच रहे होगे कि मान लो सपोज किसी के कोई फादर है उसका ना अवैध संबंध है किसी औरत से, ठीक है, तो ऐसे तो वो उसके नाम भी लिख सकता है, तो जी बिल्कुल लिख सकता है वो, तो क्योंकि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना भाई, वो तो ट्रस्ट में भी दे सकता है, वो किसी से अफेयर है मैरिड वुमेन से या फिर किसी से भी, उसको भी दे सकता है, या फिर किसी बच्ची से अफेयर है उसके नाम भी कर सकता है, ठीक है, उसकी उसके उसके नाम भी करा सकता है विल, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। सपोज अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मान लो आपके फादर को दादा परदादा से वो प्रॉपर्टी है वो मिली है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें उसके पोतों का राइट हो जाता है, ठीक है। सपोज मान लो आप हो, आप एक लड़के हो, ठीक है, और आपके जो फादर है वो आपसे प्रॉपर्टी दे नहीं रहे हैं, और आपको पता चलता है जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल है, तो उसमें आपका राइट है, जिसको एक शब्द में देखा जाए तो दादा लाई भी बोलते हैं, दादा लाई, समझते हैं आप, यानी कि दादा लाई, तो उससे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई अब पता कैसे चलेगा कि एंसेस्ट्रल है यार या वो है, ठीक है, तो देखो अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें तो पता चल जाएगा आपको कि भाई ये सेल्फ एक्वायर्ड है, सारा कुछ है। एंसेस्ट्रल है उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, जहाँ भी आपका जो अथॉरिटी बैठती है वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि भाई जो प्रॉपर्टी है ये कैसी है, और अगर आपको वैसे ही ऑफिशियल मतलब अनऑफिशियल पता करना है तो आप अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना, दादा परदादा, चाचा, ताऊ, बुआ, उनसे पूछ सकते हो कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है कैसे मिली थी हमारे फादर को, ऐसे ऐसे, तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, अब जरूरी नहीं आप कहीं जाओ पूछ के आओ, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट थिंग आती है इंटरस्टेट वाली बातें। तो देखो इंटरस्टेट में क्या होता है, सपोज कोई फादर है उसने विल नहीं बनाई, उसकी एक अचानक डेथ होगी और उसके चार बच्चे हैं, ठीक है, चार बच्चे हैं, एक माए, तो उनमें वो कैसे जाएगी मैं आपको रूल समझाता हूँ। इंटेस्टेट समझ में आ गया, अगर विल नहीं बनाती है तो विल नहीं बनाते हैं तो उसमें जाएगी। तो पहले क्या होता है, पहले रूल होता है क्लास होती है हायर वन, अगर क्लास वन के हायर हैं तो उनको मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊँ क्लास वन के हायर कौन कौन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सरल शब्दों में क्लास वन हायर्स, ठीक है, पहले उनको जाती है। अगर क्लास वन के जो हायर्स नहीं है फिर जाती है क्लास सेकंड हायर्स में, ठीक है, अगर क्लास सेकंड भी नहीं है फिर जाती है एग्नेट्स को, अब जो ये वर्ड है मैं आपको समझाऊंगा एग्नेट्स, फिर अगर मान लो एग्नेट्स भी नहीं है फिर जाती है कोग्नेट्स को, ठीक है। अब क्लास वन के जो हायर हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं जैसे कि बेटे, बेटी, ठीक है, उसकी वीडो वाइफ यानी कि जो बच्चे हैं उनकी माँ, और जो लड़का है जो फादर है उसकी खुद की माँ, ठीक है। अब यहाँ पे फादर नहीं है, ठीक है, फादर नहीं है तो इनको बोलते हैं लीगल मतलब क्लास वन के हायर, अगर इनके बच्चे हैं तो वो भी उसमें आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। एक बार और सुन लो, सपोज किसी की डेथ होगी इंटेस्टेट, उसने विल नहीं बनाई, तो उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, एक उसकी माँ है और एक उसकी जो वाइफ है वीडो, ठीक है, चार हो गए,
तो इनमें जो प्रॉपर्टी है वो मान लो उस हिसाब से बढ़ जाएगी। सपोज एक प्रॉपर्टी है तो 1/4 उसका हिस्सा हो जाएगा, 1/4 इसको मिल जाएगी, 1/4 इसको मिल जाएगी, 1/4 इसको मिल जाएगी, 1/4 इसको मिल जाएगी। सपोज ये सन है, ये डॉटर है, इनके भी कुछ बच्चे हैं आगे, ठीक है, तो इनमें जो 1/4 मिली उस उन दोनों में 1/2 हो जाएगी, ठीक है, इनसे कुछ मतलब नहीं है, इन वालों को अपनी 1/4 ही मिलेगी, जो बंटवारा होगा वो उनमें से होगा, यानी कि इनको मिली है इनमें से मिलेगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लास टू हायर्स। क्लास टू हायर्स में क्या होता है, फादर आता है, यानी कि लड़के का फादर आता है, ठीक है, जैसे जो मर गया उसका फादर आएगा, उसका ब्रदर आएगा, उसकी सिस्टर आएगी, ठीक है, और इनके जो बच्चे हैं वो आएंगे, तो ये होते हैं क्लास टू हायर्स, ठीक है, समझ रहे हो आप, क्लास टू हायर्स। और कोग्नेट्स क्या होते हैं, कोग्नेट्स होते हैं जैसे कि ना मान लो ये दो तरह के होते हैं, एक असेंडेंट एक डिसेंडेंट। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि मान लो फादर मतलब जो लड़का है वो मर गया, ठीक है, क्लास वन हायर्स भी नहीं है, क्लास टू हायर्स भी नहीं है। तो एग्नेट्स में क्या है, जैसे कि परदादा, मान लो परदादा हो तो उसको मिलेगा, ठीक है, ये तो हो गए असेंडेंट वाले। एक होते हैं डिसेंडेंट वाले, सपोज पर्सन है मर गया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना विल बना के मारा कुछ भी, लीगल वन हायर्स नहीं है, जो मैंने आपको बताया फादर में, ये मतलब बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, उसका मतलब बाप भी नहीं है, भाई भी कुछ नहीं है, ठीक है, फिर जाएगी उसके पर पोतों पे, यानी कि पोतों पे, तो उसको बोलते हैं हम एग्नेट्स, ठीक है, मेल एग्नेट्स को ही मतलब मेल वाला बोलते हैं। फिर आता है कोग्नेट्स। कोग्नेट्स क्या होता है, जैसे कि मान लो पर पोती, ठीक है, या पर दादी, या तो बिल्कुल पर दादी हो, उसको बोलते हैं असेंडेंट कोग्नेट्स, ठीक है। फिर होता है डिसेंडेंट, यानी कि आगे वाले, जैसे कि परपोती, ठीक है, परपोती, मतलब ये बहुत लंबी बातें हैं। अब ये क्या है, ये तो रूल्स हैं, ठीक है, हालांकि जो बात है वो खत्म हो जाती है लीगल हायर वन पे और टू पे, ठीक है, इनसे आगे कोई होता ही नहीं है, कौन मतलब यार ये बताओ, जब ये हैं तो इनकी जरूरत ही क्या पड़ती है, वो तो बस रूल्स बनाए अगर ना हो तो, जो लोग पूछते हैं ना अगर ऐसा ना हुआ तो इसलिए बनाते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ हो तो सरकार तो सब कुछ देख के चलती है ना, वो तो रूल्स बनाती है, हालांकि जो बात है वो अटक जाती है लीगल हायर्स वन पे ही, रियल में बता रहा हूँ आपको, रियल लाइफ में, ठीक है, लीगल हायर्स वन, ज़्यादा से ज़्यादा टू। अब लीगल हायर्स कौन होते हैं, वन मदर हो गई, उसके बच्चे हो गए, ठीक है, चार लड़के हैं तो चार लड़के हो गए, और उसकी वाइफ वीडो यानी कि विधवा है वो, और उसकी माँ। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो फादर साहब नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे यार ऐसे रिपीट बार बार, तो देखो यार सबको समझाना पड़ता है ना, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया तो तुम जाओ बंद करो वीडियो। अब कुछ और लोग भी तो है ना, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्हें भी तो समझाना पड़ता है ना। तो क्या है, सपोज एक फैमिली है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने कोई विल नहीं बनाई और उन पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, चार बच्चे हैं, चार लड़के हैं, ठीक है, एक माँ है, एक बहन है, और एक उसकी वाइफ है, किसकी, जो डिसीज्ड है। तो इनको मिलेगा, कितने हो गए ये, 1, 2, 3, यानी कि 4, 7 हो गए, ठीक है। तो इनको सबको 1/7 मिल जाएगा। अगर सपोज इनमें से कोई मतलब बोले कि यार मुझे नहीं चाहिए, मान लो खुद वॉलेंट्री बोले, तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/6, ठीक है, तो सब में वो बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, और यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ अब देखो क्या होता है, हाँ अब ये कुछ लोग पूछते हैं कि यार देखो मतलब फादर साहब ने ना वो निकाल दिया प्रॉपर्टी से, हमें निकाल दिया, तो इसका क्या ऑप्शन है। तो यार देखो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उन्होंने आपको निकाल दिया है तो वो आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो उनकी ना खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उन्होंने कोई वो नहीं लिया है। दूसरा ऑप्शन ये है, सपोज आप 18 साल से कम हो और आपकी जो फादर है उनका नेचर अच्छा नहीं है, या फिर वो किसी और के चक्कर में है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए आप मेंटेनेंस ले सकते हो अपने फादर से, ठीक है, वो भी तब जब आप कमाते नहीं हो या फिर आपकी जो हालत है वो कमाने लायक नहीं है, ओके, समझ रहे हो। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मान लो एक लड़का होता है मतलब हस्बैंड होता है, तो वो क्या करता है, मतलब फादर होता है वो शादी कर लेता है, ठीक है, तो अपने बच्चों को फिर वो ध्यान नहीं देता, अपनी बीवी बच्चों पे ध्यान नहीं देता, वो किसी मैरिड मतलब अफेयर में पड़ जाता है, तो क्या होता है वो सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब उसी के नाम कर देता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ही कर सकता है, किसी के नाम भी दे सकता, वो ट्रस्ट को भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, मतलब उसकी मर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अब आपका क्वेश्चन है कि भाई ऐसे तो विक्टिम है जो, उनको क्या, जैसे जो उसके बच्चे हैं, माएँ मतलब उसकी वाइफ है, उसको क्या, उनको क्या मिलेगा, तो उनको एक ऑप्शन है, वो मेंटेनेंस लगा सकते हैं अपने उस बिहाफ पे कि भाई हम इसके लीगल वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, तो हमें मेंटेनेंस प्रदान किया जाए, कोर्ट जा सकते हो आप, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, वो भी आपको तब मिलेगा जब आप अनेबल टू अर्न हो, ठीक है, जब आप कमा नहीं रहे हो तब जाके आपको मेंटेनेंस मिलेगा, ओके, अदरवाइज उसने बेच दी तो बेच दी। देखो यार ये कानून है, मैं क्या करूँ, ठीक है। अब कुछ लोग ना कमेंट करेंगे भाई ऐसा कानून है, ये नहीं होना चाहिए,
तो ये एक ही वो है ऑप्शन, भाई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और जो कुछ भागते हैं ना लोग, सोचते हैं कि यार भाग के शादी कर लेंगे, तो यार देखो ऐसे भी ना करो, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी वॉपर्टी का दिक्कत होती है, समझ रहे हो। पहली बात तो ये करो ही ना ना, और रही बात प्रॉपर्टी की, भाई तुम भी इतना वो बनो ना काबिल कि भाई मतलब बाप ने इतना कमाया तो तुम भी उतना कमाओ, उससे ज़्यादा कमाओ, इतना काबिल करो ना। तुम भरोसे क्यों रहते हो किसी के, ठीक है। अब क्या पता उसका मूड घूम जाए, वो निकाल दे आपको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, तो मतलब अपनी प्री प्लानिंग लेके चलो ना कि इतना तो लाइफ में होना चाहिए कि बाप ने 10 मकान बनाए तो हम 20 बनाए, हम इतनी प्रॉपर्टी बनाए उससे दुगनी बनाए, तो ये लेके चलो ना, ठीक है। क्यों भरोसे में हो, हालांकि मतलब होता नहीं है लेकिन मोस्टली केसेस में यार हो भी जाता है, कोई निकाल देता है, ठीक है, कुछ हरकत है, मतलब टाइम है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो बच्चे ने शादी कर ली, या फिर वो जो फादर है वो किसी के चक्कर में पड़ गया, कुछ भी, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अपना बैलेंस लेके चलो। तो मैंने आपको कुछ डाउट्स बता दिए हैं, और फिर भी आपको कोई डाउट्स हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको जो क्वेरी है ज़्यादा पर्सनल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो गरीब अकबर के नाम से ही है, हर चीज़ गरीब अकबर के नाम से, ठीक है। गरीब फेसबुक मतलब हर चीज़, इंस्टा और यूट्यूब भी, सब कुछ गरीब अकबर के नाम से ही है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर।